ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे चल रहा है, ऐसे में वाराणसी के लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं उन्हीं से उनकी जुबानी जानते हैं। क्या कहेंगे आप जी? अभी तो हम दर्शन करके आ रहे हैं वहाँ से, प्रांगण से। तो हमने खुद देखा है अंदर में जो ज्ञानवापी में जो मस्जिद बना हुआ है, जो लोग बोलते हैं मस्जिद, वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। उसका जो नकाशी बना हुआ है वो मंदिर का ही नकाशी है। अभी हम खुद देख के आ रहे हैं, अभी जबरदस्त। अच्छा, खुद देख के आ रहे हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, मैं तो वहीं पर रहता हूँ, घर ही है मेरा, और बचपन से हम लोग वहीं पर पले बड़े हैं। जहाँ पर आज सर्वे हो रहा है वहाँ पर हम लोगों ने कई तरीके के खेल खेले हैं, और कहीं से कोई संदेह नहीं है। मतलब स्पष्ट दिखाई देता है कि मंदिर की दीवार है, पश्चिमी दीवार जो है उसी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और मैं मानता हूं कि सर्वे की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, हाँ, लेकिन चूंकि कानूनी पक्ष है तो उसके लिए सर्वे होना चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो नंगी आंखों से देखने योग्य है, देखने योग्य है। इस सर्वे को लेकर बहुत सारी आपत्तियां उठाई गई, सर्वे चल रहा है, ऐसे में आपके विचार क्या है? इसके सामने सब कुछ सच्चाई आएगा। ज्ञानवापी वहाँ मंदिर था और वहाँ अवैध रूप से बना हुआ है, वहाँ मंदिर ही रहना चाहिए, जी। अच्छा, वहाँ मंदिर ही रहना चाहिए, और उस सर्वे में पूरा सामने खुल के आएगा, आएगा पूरा भरोसा है आपको? आप मंदिर के बारे में, तो हम हिंदू हैं, स्वाभाविक रूप से अपना मंदिर के बारे में हमारा आस्था है। हम चाहेंगे कि हमारा जो भोले बाबा का पुराना मंदिर है उसका फिर से माने सारे लोग के सामने आए। सबके सामने जो ये बात बोल रहे हैं वही सत्य है। सत्य है जी। हाँ, आप भाई? हम तो घूमने आए हुए हैं, बाबा का दर्शन करने आए हुए हैं। सर्वे और भी चल रहा है, जानकारी है? जी जी, सर्वे हो रहा है। कुछ क्या कहेंगे? नहीं, सब अच्छा है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जी, यही कहना चाहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है, सर्वे से सब कुछ साफ होगा। हाँ, सर्वे से साफ साफ हो जाएगा। और नौजवान, आप बताओ? सर्वे हो रहा है, प्रमाण है ही पहले से कि यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह पा गए हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी तो आह्वान कर ही दिया है कि मंदिर बनेगा, वहाँ पे जरूर बनेगा मंदिर। अवैध रूप से मस्जिद है वहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए, ज्ञान माफी। सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ। मैं बिहार से आने आया हूँ, ठीक, सीतामढ़ी जिला से आकर बहुत अच्छा लगा हुआ, ठीक है। अभी जो कॉरिडोर जो बना है मोदी जी, सबसे बेस्ट बना हुआ है, बढ़िया बढ़िया। जो सर्वे हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा है, अच्छा, मंदिर बनना चाहिए। हिंदू धर्म का प्रतीक ठीक है, लेकिन आपको सर्वे से आपको लगता है कि सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी? जी सर, सब हमारा हैया है, हमारा जबरदस्ती बनाया गया है, हमारी शान मारने के लिए इसको जो है जबरदस्ती बनाया गया है। क्या भैया, क्या कह रहे हैं आप? न्याय हित में सर्वे अति आवश्यक है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और मुश्किल, और ये आस्था का प्रतीक है, इसमें सर्वे में कोई रुकावट आनी ही नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। हाँ, अच्छा। आने का मतलब ये विवाद का कारण बनेगा, इससे स्पष्ट और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, सर्वे हो जाए, और हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, इससे आगे का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एएसआई सर्वे जब हो जाए तो इससे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कोई विवाद नहीं रहेगा? देखिए, विवाद तो अभी भी नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए जैसे मुसलमानों का मक्का है वैसे ये हम लोगों का है, इसमें विवाद की कोई बात ही नहीं है। और महंत जी वैसे भी बोल चुके हैं कि आप मस्जिद तो कहिए नहीं, कोई विवाद की इसमें बात ही नहीं। कौन महंत जी हो? महंत जी माने योगी बाबा। अच्छा, और हाई कोर्ट महंत गोरखपीठ की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, हाई कोर्ट ने भी तो शायद कह दिया कि सर्वे में कोई रुकावट आनी नहीं चाहिए। ये बना वाराणसी तो चल रहा है क्या भाई जी? का सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं कि महंत गोरखपीठ ने भी कह दिया है। हाँ, वो तो गोरखपीठ भी कह दिया, और यहाँ का इतिहास और मंदिर खुद ही बोल रहा है, वहाँ का जो बिल्डिंग है वो बोल ही रहा है हिंदू मंदिर है। हाँ, ये तो इतने वर्षों तक अपना दुर्भाग्य रहा कि इसको अपन ने झेला है। हाँ, अब तो बहुत जल्दी आस कर रहे हैं बाबा से। हाँ, अगले सावन में आएंगे तो पूरा परिसर कॉरिडोर में शामिल होगा। आप कहाँ से आए? सीकर, राजस्थान से। अरे, राजस्थान से आ गए? बिल्कुल, राजस्थान से था। आप कहाँ से आए भाई? मेरा यही घर है। घर है आपका? घर है तो आपकी बात तो और स्पष्ट होनी चाहिए कि आखिर जो सर्वे चल रहा है, आप स्थानीय निवासी हैं, इस पर क्या आप विचार रखते हैं? जो भी सर्वे आएगा वो दोनों पक्ष इसको मान लेगा, ऐसा मेरा अनुभव, और जितने समय हम यहाँ रहे हैं, मेरा जन्म स्थान यही है, और मैं छात्र हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। बहुत बढ़िया, तो दोनों पक्ष मांग ले। क्या चाचा? मैं तो मोदी छे, मोदी का काम है, मोदी का काम है। बढ़िया, कहाँ से आए? ग्वालियर से। अच्छा, मध्य प्रदेश से।
अच्छा, और यहाँ सर्वे हो रहा है वो ज्ञान बापी का, तो वो मंदिर के पक्ष में होना चाहिए। अच्छा, पक्ष में हाँ, हाँ। आप बहुत हंस रही हैं, क्या कहेंगी? कुछ नहीं करेंगे, तो ये कार्यक्रम अच्छा लगा, मोदी जी ने जो बनवाया कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है आपको, मोदी जी की बात है। ये जो सर्वे वर्वे हो रहा है उसपे कहेंगी? हाँ, दोनों को माने शांति पूर्ण समझौता होना चाहिए, मिलजुल के भाईचारे, हाँ भाईचारे के हिसाब से बना रहा। मैं तो काशी का ही निवासी हूँ और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहे हैं और अच्छी सौहार्दपूर्ण ढंग से रहे हैं और दोनों पक्ष मिलजुल करके इसका समाधान निकालें। और चूंकि उनका भी कहना है, बहुत से मुस्लिमों का कहना है कि जहाँ पर मंदिर हो तो वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो मुस्लिम बंधु हैं और वो एकदम बिल्कुल ही यहाँ कभी भी किसी प्रकार को किसी सुख दुख सब में वो हमारे साथ रहे हैं और आगे भी विश्वास है कि रहेंगे, तो दोनों पक्ष मिलजुल करके इसका समाधान। विचार है आपका, आप बताइए, जो सर्वे को लेकर इतनी आपत्तियाँ थी, कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, पर उसमें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, आम आदमी को तो उसमें ज़्यादा पता होता नहीं है, जो भी खोज के लाता है क्या करता है कौन करता है वो आम आदमी को बहुत ज़्यादा पता हो नहीं पाता है। आप आम आदमी हैं, खास आदमी? आम आदमी हैं, तो कुछ तो विचार होगा। नहीं, जब जिन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता ना हो तो उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए, ये आम आदमी इनको कम पता है। आप भाई आंध्र प्रदेश का रहने वाला, हमको मालूम नहीं है जी। अच्छा, ये एएसआई सर्वे चल रहा है ज्ञान वापी का, बहुत अच्छा है जी। अच्छा है, अच्छा है, बाबा का दर्शन करने आए जी? जी जी, मेरा बेटा इधर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना है, ओके, इसीलिए आया था। अच्छा, तो ये जो सर्वे चल रहा है, जो आपने सुना होगा ना, बाबा विश्वनाथ, ज्ञान वापी मस्जिद, ये विवाद, ये पूरा होना चाहिए जी, सर्वे होना चाहिए। अच्छा जी, वैज्ञानिक सर्वे से सब कुछ ठीक होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना, क्लियर हो जाएगा। बट वो वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट ना सबके सामने आनी चाहिए, ताकि हम लोग जान सके कि हम लोग का मंदिर तोड़ा गया है और उसके बाद मस्जिद को बनाया गया। वहाँ भी आप देख सकते हैं गौरी केदारेश्वर, वहाँ औरंगजेब द्वारा मारा गया है, जिस पर सालिग्राम पे आज भी निशान है, सालिग्राम जी पे, तो इसलिए गलत हुआ है। परंतु अगर गलत हुआ है तो उसको वो रिपोर्ट के सामने आएगा तो मेरा मंदिर बनेगा। मान लीजिए गलत हुआ है तो गलत आज नहीं कल सच उभर के आता है। एएसआई सर्वे पर मिश्रित प्रतिक्रिया सबने देखी और सुनी कि ये क्या कहना चाहते हैं बनारस के लोग, वाराणसी के लोग, कुछ दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, आंध्रा, मध्य प्रदेश, हर जगह से लोग आए हुए हैं, लेकिन एएसआई सर्वे हो, वैज्ञानिक सर्वे हो और चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, इस पर सबके विचार एक हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ वीरेश पांडे, वाराणसी के गोदौलिया चौराहे से।